आप देख रहे हैं दी इंडोज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वबा का शिकार है। हज़ारों अफराद कोरोना वबा की वजह से जान बहक हो चुके हैं। पूरी दुनिया इस वक्त इस कोरोना वबा की लपेट में है। अमेरिका समेत यूरोप और तरक्की याफ्ता ममालिक शदीद मुतासिर हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से। स्पेन में जो हलाकतों की तादाद है वो भी बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से स्पेन में कौंसल जनरल पाकिस्तान की तरफ से एक पैगाम भी आया है, पहले वो पैगाम सुन लीजिए। जो प्राइमरी प्रॉब्लम पड़ रही है वो ये है कि स्पेन का जो रजिस्टर सिविल का इदारा है वो आपको पता है तकरीबन 1000 डेथ्स अभी तक हो रही हैं एक दिन में, वो पूरा ओवरबर्डन्ड है और ऑनलाइन काम कर रहा है और बहुत स्लो है, कंज्यूम्ड है इस वक्त कि हमने किस तरह पाकिस्तानी जो जिनकी वफात हो गई है उनके जस्ते खाकी को पाकिस्तान भेजना है। एक प्रॉब्लम हमें यह पड़ी कि हॉस्पिटल में जो भी डेथ होती थी वो बाय डिफ़ॉल्ट या बाय फियर उसको कोविड-19 की डेथ कह देते थे, लेकिन जब हमने इनके इन्फॉर्मेज और रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला कि अभी तक बुरी खबर है लेकिन 4 पाकिस्तानियों की डेथ कोविड-19 से हुई है। बाकी हमारे सर्टिफिकेट्स मिलते जाएंगे, अब हम कार्गो रूट को भी एक्सप्लोर करेंगे और कार्गो रूट से जस्ते खाकी को पाकिस्तान भिजवाने की कोशिश करेंगे और अल्लाह के फजल से एक केस में हमें कामयाबी हो गई है। कौंसल जनरल पाकिस्तान की तरफ से ये बताया गया है कि 4 पाकिस्तानी कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं स्पेन में, जिनके जस्दे खाकी पाकिस्तान भिजवाने की भरपूर कोशिश भी की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश दीगर मसाइल का जहां पर तذکرہ किया, वहीं पर उन्होंने ये भी बताया कि स्पेन में रोज़ाना 1000 के करीब अफराद कोरोना वायरस की वजह से जान बहक हो रहे हैं। बार्सिलोना से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी वसीम रज़ाक, जो कि अपने अहलो आयाल के साथ इस बार्सिलोना में मुकीम हैं। वसीम रज़ाक, आपका बहुत शुक्रिया, आप वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो अपनी खैरियत बताइएगा और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है स्पेन की, बार्सिलोना की सूरत हाल क्या है, वहाँ पर लॉकडाउन किस हद तक हुआ है और किस हद तक कमी का इम्कान है, कब तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा, पाकिस्तानी कम्युनिटी को कौन से मसाइल दरपेश हैं, कौंसल जनरल पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन से इकदाम उठाए गए हैं, और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि इमदादी सरगर्मियां किस हद तक वहाँ पर हो रही हैं और अवाम किस हद तक जो है वो अपने घरों में मुकीम हैं, और ज़रा ये भी बताइएगा कि पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अपनी जिम्मेदारियाँ किस तरह से अदा कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान की तरह वहाँ पर भी लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं या फिर वो इस वक्त अपने आप को अपने घरों में रखे हुए हैं ताकि वो हुकूमत पर मजीद बोझ ना बने, ज़रा तफसीलात से बताइएगा। बहुत शुक्रिया इंतज़ार हैदरी साहब। बिल्कुल कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया में ही फैल चुका है और स्पेन जो है उस उन ममालिक में इसका शुमार होता है जहाँ पर ये वायरस बहुत ज़्यादा, जिसने यहाँ पर जो नुकसान किया है बहुत ज़्यादा, जो कीमती जानें हैं वो इस वायरस की नज़र हो चुकी हैं। और अगर हम अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करें तो तकरीबन 14 के करीब यहाँ पर अमवात हुई हैं, लेकिन 4 के करीब जो लोग हैं वो कोरोना वायरस से वायरस का शिकार होकर जान बहक हुए हैं और कुछ जो है यहाँ पर तदफीन डेड बॉडीज़ की जा चुकी है। ये कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी का बयान है कि यहाँ पर जो है कुछ डेड बॉडीज़ जो हैं उनकी तदफीन यहाँ पर की गई है और बाकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनको भेजने के इंतजाम, पाकिस्तान भेजने के इंतजाम हैं जो वो किए जा रहे हैं। अगर हम ओवरऑल पूरे स्पेन की बात करें तो स्पेन की जो हुकूमत है उन्होंने 13-14 मार्च को ऐलान किया लॉकडाउन का, 16 मार्च से उसका इतलाक़ हुआ। पहले एक लॉकडाउन जो है 15 रोज़ का लगाया गया, फिर उसमें उसमें इजाफा किया गया और अभी दूसरा जो लॉकडाउन का जो पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है और यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसने मंजूरी दे दी है। तीसरा लॉकडाउन भी यहाँ पर अभी शुरू हो गया है, तो 15 रोज़ का ये एक दौरानिया है और 26 अप्रैल तक ये चलेगा। लेकिन जो अखबारात में की बात करें, जो खबरें हैं अखबारात की, उनके मुताबिक ये लॉकडाउन मई में भी जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि 26 के करीब आने पर, अगर महकमा जो सेहत है उन्होंने इस कहा कि अभी मजीद जो हालात हैं वो ख़राब हैं और लॉकडाउन की ज़रूरत है, तो ये लॉकडाउन 10 मई तक भी जा सकता है। यहाँ पर जो खाने पीने का जो सामान है, जो
सुपर स्टोर हम जिनको कह सकते हैं वो खुले हुए हैं, और इसके साथ साथ फार्मेसी जो हैं वो खुली हुई हैं, हम वहाँ तक जा सकते हैं। अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। अगर हम अपने घर से ज़्यादा दूर जाएंगे तो हमें जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर कई सौ के करीब जो अफराद हैं उनको जुर्माना हो चुका है, और पुलिस जो है, हम अगर बाहर जाते हैं पुलिस चेक करती है, कार्ड चेक करती है कि आप, हम अपने घर से कितने दूर हैं। अगर हम अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर हैं तो हमसे वजह पूछी जाएगी, हमारा जो है पेपर है एक वो लेकर जाना होता है साथ। अगर हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे तो फिर भी हमें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं अगर अपनी बात करूं तो 13 तारीख के बाद से मैं जो है यहाँ पर जो स्टोर है वहाँ तक ही गया हूँ, अपने घर से ज़्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं गया। अगर हम नीचे जाते हैं तो पुलिस अहलकार और पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर, वो की जो मूवमेंट है बार्सिलोना में वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पूरे स्पेन में ही ऐसी सूरत हाल है, और ये फैलाव जो है इसी सूरत में काबू आएगा। हुकूमत की जानिब से जो ऐलानात हैं वो किए जा रहे हैं कि जब हम लोग अपने अपने घरों में क़याम करेंगे, हम दूसरों जो से जब दूसरों के से मिलेंगे तो सोशल जो डिस्टेंस है अगर हम वो कायम रखें तो हम, एक ही रीज़न है जब अगर हम इस पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसकी कोई मेडिसन यहाँ पर ईजाद नहीं हुई। अगर हम बात करें ओवरऑल पाकिस्तानी कम्यूनिटी की, तो मैं खराज तहसीन पेश करूंगा मुहैर हजरात को भी और जो पाकिस्तानी टैक्सी सेक्टर है उनको भी। पहले नंबर पे पाकिस्तानी टैक्सी सेक्टर ने जो काम शुरू किया वो बहुत ही ज़्यादा जो है दाद का मुस्तहिक हैं वो लोग, जिन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि जो भी पैरामेडिकल स्टाफ के जो लोग कोरोना वायरस से नबरदाजमा हैं उनको फ्री सर्विस पिक एंड ड्रॉप फ्राहम किया जाएगा जो भी उनसे रबता कायम करेगा। उन्होंने अपने जो नंबर्स हैं वो मुख्तलिफ अस्पतालों के डेस्क पर छोड़े और उन्होंने एक पूरा जो है तरीका कर तय किया, और उसके बाद जो है उन लोगों ने उस सर्विस से फ़ायदा भी उठाया। और यहाँ के जो अखबारात हैं अभी बैन अल-अक़वामी सतह पर भी मुख्तलिफ अखबारात जो हैं उन्होंने ये जो खबर है ये उन्होंने पब्लिश की है, और ये हमारा जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी का जो इमेज है वो यहाँ पर बहुत जो मुस्बत अंदाज में वो चेहरा जो है पाकिस्तानी कम्यूनिटी का वो सामने आया है। और उसके बाद वो मुखैर हजरात, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा लोगों के काम रुक चुके हैं, जिनके जो कागजात के बगैर जहाँ पर लोग हैं वो ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो चुके हैं, कि क्योंकि जब काम नहीं है तो खाएंगे कैसे, और जब यहाँ पर काम नहीं होगा तो जो वो पाकिस्तान में रकम भेजते हैं वो जो पाकिस्तान में लोग हैं वो भी, उनका जो ख़ानदान है वो इस सारे इस अमल से अफेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो माहिर हजरात हैं वो एक स्टेप आगे आए और उन्होंने एक लाहिका अमल तय किया और जो खुराक का इंतज़ाम करके वो पहुँचाना शुरू कर दिया। जो भी लोग थे जो उनसे कांटेक्ट कर रहे थे उन्होंने अपने नंबर यहाँ के सोशल मीडिया पेजेस हैं उन पर छोड़े कि आप हमसे रब्ता करें, हम आपको ये सामान जो है वो मुहैया करते हैं, खाने पीने का राशन जो है वो उनको फ्राहम करेंगे। तो अभी 2-3 दिन कबल जो एक बात सामने है कि कुछ लोगों ने 3-4 हफ्ते का जो सामान है वो देना शुरू कर दिया है, कि जो लोग हैं जो घरों में कैद होकर रह गए हैं, जिनका कोई ज़रिया मुआश नहीं रहा और जो मुश्किल सूरत हाल का से दो चार हो चुके हैं, जो फैमिलीज़ हैं जो अकेले रहते हैं, तो वो एक सहारा बनकर उन लोगों का सामने आए हैं। और यकीनन ये लोग भी दाद के मुस्तहिक हैं, और ये तमाम, अगर हम यहाँ पर जो लोकल सतह पर की बात करें तो यहाँ पर जो रेड क्रॉस का इदारा है वो भी ऐसा ही काम कर रहा है। अभी पाकिस्तानी कौंसलखाना भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है कि अगर आप किसी और से राशन नहीं लेना चाहते तो आप पाकिस्तानी कौंसलखाना से रब्ता करें, वो आपके लिए जो राशन का बंदोबस्त करेंगे और आप वहाँ से कलेक्ट कर लें या आपके घर पर वो पहुँचा दिया जाएगा। यकीनन ये ऐसी चीज़ें हैं जो इस मुश्किल घड़ी में जो उम्मीद की किरण है कि कोई ना कोई जो उनके लिए मदद है वो मौजूद है, और यकीनन ये हालात सदा ऐसे नहीं रहेंगे, और ये कुछ नेकियाँ ऐसी होती हैं जिनका अजर अल्लाह जो है वो देता है। तो इंसार या पाकिस्तान में भी लोगों को चाहिए कि एक दूसरे की मदद करें, और जो हुकूमती कवानीन है जो सोशल डिस्टेंस है उसका फासला उसका जो है उस पर पूरी तरह अमल करें, तब ही हम इस वायरस से बच सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर नीचे मार्केट में जाता हूँ तो मैं जब देखता हूँ कि लोग 1 मीटर का फासला बनाकर लाइन में खड़े हुए हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि यकीनन हम लोग भी पाकिस्तान में ये चीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं, हम फॉलो कर सकते हैं, और हम भी एक जो है मुस्बत, क्योंकि मुस्बत चीज़ है, हम मुस्बत चीज़ें जो है अडॉप्ट करनी चाहिए। तो स्पेन की जो सूरत हाल है वो अभी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में वो बेहतरी की जानिब गामजन होगी, और जब 50,000 से जो ज़ायद लोग हैं उन्होंने सेहत याब भी हुए हैं, जो अस्पतालों से डिस्चार्ज भी हुए हैं, तो जब बंदा ये देखता है तो बंदे को हौसला होता है।
तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े घर हैं लोगों के, बाहर जा सकते हैं, यहाँ पर तो फ्लैट हैं और फ्लैट के अंदर जो है वही रहना होता है, और फ्लैट्स में कितना बंदा मूवमेंट कर सकता है, और बस जो है एक चेंज जो अचानक चेंज आया है उसको अडॉप्ट किया है हमने। अगर हम यहाँ पर रहकर हम जो है हुकूमती कवानीन को फॉलो कर सकते हैं, तो यकीनन हमें पाकिस्तान में जाकर भी करना चाहिए। पाकिस्तान में जो हमारे दोस्त हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, जो सुन रहे हैं, उनको चाहिए कि वो खुद अपने जो घर से इस चीज़ को शुरू करें, ताकि जो लोगों में अवेयरनेस है वो फैलाई जा सके। अगर हम लोग एक मुस्बत कदम उठाएंगे, तो यकीनन जो है उसका फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा हो सकता है। बहुत शुक्रिया वसीम, अपना ख्याल रखिएगा। वसीम रज़ाक जिस तरह से बता रहे थे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, वहाँ पर जहाँ टैक्सी ड्राइवर्स आगे आए और उन्होंने हॉस्पिटल्स में पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को मुफ्त सर्विस फराहम की, वहीं पर मुखय्यर हजरात भी आगे आए और उन्होंने भरपूर इमदाद की है तमाम मुतासरीन की, और खुसूसन वहाँ पर जो पाकिस्तानी मुकीम हैं उनकी भी भरपूर तरीके से इमदाद की है। इसके साथ साथ वसीम ये भी बता रहे थे कि वहाँ पर लोग अपने घरों में मुकीद हैं, छोटे घर होने के बावजूद लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे और मुकम्मल तौर पर जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी इख्तियार किए हुए हैं, और उसके साथ साथ हुकूमत से मुकम्मल तआवुन किया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग कानून की खिलाफवर्जी करते हैं उन पर भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को भी इन बातों से सीखना चाहिए। एक बड़ा सबक है कि मुखय्यर हजरात खुद आगे बढ़े और उन्होंने अवाम की मदद की है। पाकिस्तान में भी मुखय्यर हजरात की कमी नहीं है और हमेशा मुखय्यर हजरात मुश्किल वक्त में सामने आते हैं। हमेशा कौमें मुश्किल वक्त से निकलती हैं और मुश्किल वक्त में ही कौमों का इम्तिहान होता है। उम्मीद है पाकिस्तानी कौम भी इस मुश्किल सूरत हाल से जल्द निकलेगी। अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, और आपकी मुल्क को कौम के लिए सबसे बड़ी खिदमत ही ये होगी कि आप अपने घर पर रहें, ताकि आप भी महफूज रहें, आपके अहले खाना भी महफूज रहें, और आपकी वजह से दीगर कौम के जो अफराद हैं वो भी महफूज रहें। इस प्रोग्राम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।